नमस्कार दोस्तों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो सफलता पाने के लिए प्रयास शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान राशिफल में। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को 11 फरवरी दिन शुक्रवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, तो दोस्तों आए स्टूडियो में आपको बताएंगे सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आय का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपके भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज शुक्रवार है, लक्ष्मी माँ का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय लक्ष्मी माँ लिखें, लक्ष्मी माँ आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 11 फरवरी 2022 दिन शुक्रवार, आज की तिथि दशमी, आज का नक्षत्र मृग सना नक्षत्र, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 7:03 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 6:08 पर। दोस्तों आज का शुभ समय है दोपहर 12:13 से दोपहर 12:57 तक रहेगा। अगर दोस्तों आज आप कुछ शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है सुबह 9:16 से सुबह 10 तक रहेगा। दोस्तों आज आपका लकी नंबर है 7 और शुभ रंग है सफेद और लाल। दोस्तों अब बात करते हैं आज के राशि फल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों खुद अपना इलाज करने से बचें, क्योंकि दवाई पर आपकी निर्भरता बढ़ने की संभावना से इनका नहीं किया जा सकता। आज कोई लेनदार आपके दरवाजे पर आ सकता है और आपसे पैसे उधार मांग सकता है, उन्हें पैसे लौटाकर आप आर्थिक तंगी में आ सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि उधार लेन देन से बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतों पर ध्यान देना आज आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज आप अपने प्रिय से अपने जज्बात का इजहार करने में मुश्किल महसूस कर सकेंगे। जरूरतमंदों की मदद करने की आपकी खासियत आपको सम्मान दिलाएगी। जीवन साथी का बर्ताव आपके पैसे व रिश्तों पर गलत असर डाल सकता है। काम को करने से पहले ही उसके बारे में अच्छा या बुरा सोचना, बल्कि खुद को एकाग्र करने की कोशिश करें, इससे आपके सारे काम अच्छी तरह हो पाएंगे। साथ ही साथ आपको बताएं दिन की शुरुआत आप योग और ध्यान के साथ कर सकते हैं, ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा और सारे दिन आप में ऊर्जा रहेगी। दीर्घ अवधि में निवेश करने से आपको बचना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिताने चाहिए। किसी ऐसे के साथ परस्पर संवाद की कमी जिसका आपको बहुत ख्याल है आपको तनाव दे सकती है। आपकी आंखें इतनी चमकीली हैं कि वे आपके प्रिय की अंधेरी रात को भी रोशन कर सकती हैं। आज खाली वक्त का सही उपयोग करने के लिए आज आपके पुराने मित्रों से मिलने का प्लान बना सकते हैं। अपने जीवन साथी के चलते आप महसूस करेंगे कि स्वर्ग धरती पर ही है। बिना किसी के साथ पाए भी आज के दिन का आप भरपूर आनंद उठा पाएंगे। साथ ही साथ आपको बताएं आज नौकरी में अधिकार बढ़ सकते हैं, किसी बड़ी समस्या का निवारण होगा, आगे बढ़ने के नए मौके भी आपको मिल सकते हैं, आपकी अपेक्षाएं पूरी होंगी। आज के दिन आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही आपको बताएं ऑफिस में बॉस के साथ संबंध अच्छे रहने का प्रयास करें, वहीं दूसरी ओर सहकर्मियों से विवाद होने की आकांक्षा है। किसी भी समस्या से घबराना नहीं चाहिए, ज्यादा परेशानी हो तो किसी से सलाह लें, आपको प्रसन्नता रहेगी। सड़क पर आप बेकाबू की तरह गाड़ी ना चलाएं, वरना आपको कोई मान हानि हो सकती है। आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा। आपके प्रयत्नों के जरिए ही परिवार के लोगों के दुख दूर होने लगेंगे। आज जीवन साथी के साथ आपको बातचीत में थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए। सिंगल लोगों को प्रेम पार्टनर मिलने की भी संभावना है। आज सकारात्मक रहेंगे और सही ढंग से धन को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। बड़ा निवेश करने से पहले अच्छे ढंग से उसके बारे में आपको सोच विचार कर लेना चाहिए। बेरोजगारों को आज वह कॉल या ईमेल आ सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। साथ ही साथ आपको बताएं आर्थिक मामलों में आपके लिए संतोषजनक समय रहेगा। एक्स्ट्रा इनकम के भी योग बनेंगे। घरेलू जीवन के लिए यह अवधि बहुत ही उत्तम रहने की संभावना है। पारिवारिक लोगों में आपको सद्भावना व प्रेम देखने को मिलेगा। परिवार के साथ आप घूमने फिरने की योजना भी बना सकते हैं। काम की अधिकता होने की वजह से
प्रेमी के साथ प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात होना मुश्किल लग रहा है। सेहत को लेकर आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। शारीरिक थकान से बचने के लिए काम के साथ साथ आपको थोड़ा आराम भी करना चाहिए। नौकरी पेशा वालों का रुका हुआ प्रमोशन भी उन्हें मिल सकता है। व्यापार करने वाले लोगों को कोई बड़ी सफलता मिलने की आशा दिख रहे हैं। आर्थिक मामलों के लिए यह समय प्रगतिकार रहेगा। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए यह अवधि विशेष धंधा ही हो सकती है। साथ ही साथ आपको बताएं, घर के वातावरण को अनुशासित व खुशनुमा बनाकर रखने में आपकी आज विशेष महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। घर का वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा। निकट संबंधियों के घर में आगमन से किसी विशेष मुद्दे पर गंभीरता से बातचीत होगी। आपको इसके जरिए उचित हल भी मिलेगा। बच्चों पर बहुत अधिक अंकुश ना लगाएं, इससे उनके अंदर और अधिक निराशा जैसी भावना आ सकती है। दोस्तों के साथ घूमने फिरने में आज आप अपना समय ज्यादा व्यर्थ ना करें। अपने व्यक्तिगत कार्यों पर आपको अधिक ध्यान देना चाहिए। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी। प्रेम संबंधों में आपको अनुशासित व मर्यादित रहना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं आपके कैरियर की। तो दोस्तों आयात निर्यात संबंधी मामलों में कोई खास डील हो सकती है। किसी अनुभवी इंसान के साथ आपकी मुलाकात होगी। ये मुलाकात आपके भविष्य संबंधी योजनाओं को कार्य रूप देने में समर्थ रहेंगी। दोस्तों अब बात करते हैं आज के लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों आज आपके प्रेमी का फोन आपका दिन बना सकता है। इसके चलते आपका मन खुशी में रह सकता है। लेकिन आज आप अपने काम के प्रति हो सकता है कि अपने प्रेमी से बात ना कर पाए, तो इस पर आपका प्रेमी आपसे नाराज हो जाए और आपसे कुछ समय या कुछ दिन बात ना करें। तो आपको अपने प्यार के प्रति उन्हें समझना चाहिए, ना कि आपको खुद नाराज हो जाना चाहिए। इससे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं या आप में मनमुटाव हो सकता है। इसलिए आप उन्हें समझें और अपने प्यार के रिश्तों को खुशनुमा बनाएं। साथ ही आपको बता दें कि शादीशुदा जिंदगी में जीवन साथी आपकी काफी मदद का साबित होगी और दाम्पत्य जीवन के लिए यह समय कुछ सही नहीं रहेगा। दोनों में किसी बात को लेकर थोड़ा बहुत मनमुटाव रह सकता है, लेकिन समय के चलते सब सही होगा। दोस्तों अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों आज कुछ देर पहले आप सो जाएं और अपने आप को बहुत अधिक नीली रोशनी में ना रखें। आप सुनिश्चित करें कि आपके शरीर को वे सभी पोषक तत्व और विटामिन मिल रहे हैं जिसके उसे बहुत आवश्यकता है। थकान और अनिद्रा जैसी परेशानी आपको महसूस होगी, इसलिए आज अधिक से अधिक आराम लेने की आपको आवश्यकता है। और आप अपने स्वास्थ्य को और भी अधिक अच्छा रखने के लिए आप अपने खान पान का ध्यान रखें और रोजाना योगा व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे।